बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल, महाविकास अघाड़ी के दावों में दिख रहा दम। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र में पहले चरण का मतदान महज 3 दिन दूर है। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की चिंता बढ़ाने वाले 2 ओपिनियन पोल आए हैं। ओपिनियन पोल 2 अलग अलग न्यूज चैनल्स ने कराए हैं। इनके नतीजे बीजेपी के 45 पार के दावे को ध्वस्त करते दिख रहे हैं और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दावों को सच होते दिखा रहे हैं। TV9 ने जो सर्वे कराया है उसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्र और 4,123 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच रायशुमारी किए जाने का दावा किया गया है। दावा है कि इस सर्वे को पूरा करने और भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए रैंडम नंबर जनरेटर से 25 लाख लोगों को कॉल किए गए। दूसरा सर्वे ABP ने सी वोटर के साथ मिलकर किया है। दोनों सर्वे मंगलवार को दोनों चैनलों पर प्रसारित किए गए। क्या कहता है महाराष्ट्र का सर्वे? TV9 ने जो सर्वे करवाया है उसमें बीजेपी को 25, शिवसेना शिंदे को 3 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। वहीं NCP अजीत 1 भी सीट जीतते दिखाई नहीं दे रहे। इस सर्वे में शिवसेना उद्धव को 10, कांग्रेस को 5 और NCP शरद को भी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ABP सी वोटर के सर्वे में बीजेपी 21 से 22 और शिवसेना शिंदे को 9 से 10 सीटें दी गई हैं। वहीं NCP अजीत इस सर्वे में भी खाता नहीं खोल पाए हैं। इस सर्वे में शिवसेना उद्धव को 9, कांग्रेस को 3 और NCP शरद को 5 सीटें दी गई हैं। सर्वे की कुछ खास बातें, अजीत पवार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दोनों ही सर्वे में अजीत के नेतृत्व वाले NCP को 1 भी लोकसभा सीट मिलती नहीं दिख रही। यहां तक कि बारामती जहां अजीत अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनीत्रा को चुनाव लड़ा रहे हैं, वे सीट भी सर्वे में अजीत के खाते में जाती नहीं दिख रही। दोनों सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है लेकिन महाराष्ट्र में 45 पार का सपना सच होता नहीं दिख रहा। TV9 का सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 40.22% वोट मिलेंगे और विपक्षी इंडिया अलायंस को 40.97%, इंडिया को NDA से 0.75% वोट ज्यादा मिलेंगे। ABP सी वोटर सर्वे का अंदाजा है कि मुंबई की सभी 6 सीटों पर महायुति को जीत मिलने की संभावना है। हालांकि अब तक मुंबई में 3 सीटों पर पूर्व उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।